सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं, इट्स अ फर्स्ट व्यू ऑफ वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक। और अगर आप उस तरफ देख पा रहे होगे तो वहां पे पेंगोंग लेक है। तो गाइस एक थोड़ा सा ऑफ रोड पैच आ गया है और शायद 1 किलोमीटर हो चुका है मैं इस पैच पर ऑलरेडी। और आप सामने तक का देखोगे रास्ता पूरा ख़राब है। और अभी मैंने अक्षय को बीच में रख लिया आगे, बिकॉज अगर बाई चांस वो गिरता है तो उठाने के लिए एक बंदा तो हो। गोलू और मैं तो इंटरकॉम पे कनेक्टेड है, और अगर बाई चांस मैं गिरा तो मैं गोलू का आवाज़ तो दे सकता हूँ। अक्षय किसी से इंटरकॉम पे कनेक्टेड नहीं है, और से बताऊँ तो अभी हम पे टाइम नहीं है कि उसको अभी रुक के हम इंटरकॉम से कनेक्ट करें, इसलिए उसको हमने थोड़ा सा आगे चलने दिया है। क्या वो गंदा पैसे आगे, चल कोई दिक्कत नहीं चलता रहा। तो हाँ हाँ निकाल निकाल। तो यार थोड़ा थोड़ा वाटर क्रॉसिंग आ गया है यहाँ पे। मुझे सिर्फ बताऊँ गिरने की टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ अपने अलॉय बैंड की टेंशन है यहाँ पे। मुझे पता मैं गिरूँगा तो नहीं, बस मुझे टेंशन है कि मेरा अलॉय बैंड ना बढ़ जाए यहाँ पे, इसलिए मैं बहुत स्लो स्लो निकाल रहा हूँ अपनी बाइक यहाँ पर। आगे थोड़ी बड़ी सी वाटर क्रॉसिंग आ रही है, हाँ चलो एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग। ये वैसे एक चीज़ बताऊँ, ये वही वाटर क्रॉसिंग है जहाँ पे एक टाइम पे एक बंदे बहुत बुरी तरीके से फंसे थे। ओ भाई साहब अच्छा खासा पानी में टायर गया मेरा। आए बहुत मज़ा आया भाई, बहुत बढ़िया। मेरे तो नहीं हुए, मेरे जूते गीले नहीं हुए। चलो चले बाइक यार, वो रोड देख लो पूरा वो खराब पैच से आ रहे हैं वहाँ से। चलो चलो यार थोड़ा आगे मिलता हूँ हमसे। एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग पार करी बट मज़ा आया यार, फन था थोड़ा। चलो देखते एक बार क्या हुआ इन लोगों के साथ। यार भाई की बाइक आरसी तो भाई एक बार में निकल गई टपाटप। सही बताऊँ तो पानी कहाँ तक टच करा देखूँ एक बार, थोड़ा टच हुआ और समझ नहीं आ रहा देखने में। सही है लव वॉश हो गए भाई। सही है चलो चलते आगे। एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है और साथ पे स्टोन्स भी है। कोशिश करूँगा एक बार मैं निकालूँ उसमें, इसलिए मैं रुक गया हूँ। एक बार ये लोग निकाले उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि मैं निकालूँ एक बार में वन गो में। बस कहीं ना कहीं ये खुद में भी एक अचीवमेंट होगी मेरे लिए, क्योंकि पेबल्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे सब रुक रुक के चल रहे हैं लोग। बाइक यार बहुत हीट हो रही है यार, वो बहुत स्लो स्लो चल रही है ना, जितनी स्लो चलती है ना उतनी ज़्यादा हीट मारती है। अक्षय पर थोड़ा सा और आगे चला जाए। हाँ चलो चलें, चलो चलते हैं। अरे भाई साहब ये कर दिया ये हमने भाई साहब, बिना पैर के वाटर क्रॉस कराए मैंने, जिसमें पेबल्स भी इतने सारे थे। ये लोग रुक रुक के क्रॉस कर, इन लोगों ने तुम्हारे भाई ने बिना पैर रखे एक बार में क्रॉस, इसको कहते हैं भाई साहब मजा आ गया मजा। सही था यार, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। सही था मजा आ गया। सोचो यार एक तो कहाँ नदियाँ बह रही है और कहाँ तो ये मिट्टी का रेगिस्तान भी है। देखो दुनिया क्या ही अजूबा है यार, यहाँ पे इस दुनिया ना बहुत अलग है यार। यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, हर 50-100 किलोमीटर में वेदर भी बहुत चेंज होता है, बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको यहाँ के वेदर में। कभी आपको गर्म मिलेगा तो कभी बहुत ठंडा मिलेगा।
और से बताओ खराब रोड के बाद ना हमें हमेशा ना एक हमें ना बोनस मिलता आ रहा है। वैसे यहाँ से शौक रह गया 11 किलोमीटर, पहले आता है खराब पैच बड़ा गंदा, 1-1.5 किलोमीटर बड़े खराब, मतलब हाथ दुख जाते हैं, रखो देख रहे हो लाल लाल रोड के हाथ पे यहाँ पे ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद हमें बोनस पॉइंट मिलता है ये वाला जिस पर हम चल रहे हैं, ये 3-4 किलोमीटर ऐसा होता है एकदम शूट शूट जाओ 100 की स्पीड से। फिर उसके बाद फिर हमें मिलता है कुछ और, फिर एक और बोनस पॉइंट। अब तुझे बताओ मैं जैसे मैंने पेट्रोल मंगवाया है नूबरा वैली से, वहाँ से 66 किलोमीटर चल चुका हूँ और पूरा रास्ता ऐसे चल रहा है। अभी देखो अभी 5-7 किलोमीटर चले एकदम मक्खन, फिर आ गया एक और कुछ और रास्ता अजीब सा गंदा सा, कहीं रेत में लेगी कहीं ऑफ रोड और कहीं ऑफ रोड के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग। बाकी यार ये वेदर देखो सामने ग्लेशियर है सामने, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा उस तरह जब हम पहुँचेंगे। शोक रह गया 10 किलोमीटर, पैंगोंग पता नहीं कितना, डुरबुक रह गया 23-22 के आसपास। हाथ में लगो लाल लाल जा पूरा हो गया हाल, केमिकल साफ है थोड़ा साफ कर लेते, साफ नहीं भी है तो भाई ये बीच में कैमरा लेंस साफ करता हूँ ना तो थोड़ा सा इसका माइंड मत करना है, बट क्या करे मिट्टी यहाँ पे इतनी है, बीच में वाटर क्रॉसिंग आ रही है, कुछ ना कुछ कीचड़ कुचड़ उड़ के आ जाता है, इसी में बीच में ना लेंस साफ करता रहता हूँ। और भाई इस बंदे को सलूट है, तमिलनाडु से RM5V3 पे आ रखा है, मतलब मान गया इसको भाई को। आंध्र प्रदेश की बाइक में से आगे ये पक्का रुक पाएगा मुझे यार, शिट। ऐसी जगह पे भी तुम्हारा ओवरटेक करने से बात नहीं आ रहा, इसे बताओ यार इनसे क्रॉस करना बहुत आसान है, इट इज ऑल अबाउट योर बैलेंसिंग एंड योर एक्सपीरियंस। आपको पता होना चाहिए आपको क्लच अपना कहाँ दबाना है कहाँ छोड़ के एक्सलेट करना है, अगर ये सिंपल सी टेक्निक आप समझ गए ना सॉरी यार, तो ये बहुत आसान है आपके लिए। अब यहाँ ये बस ये आ गई टेम्पो ट्रेवल वगैरह तो थोड़ा रुकना पड़ सकता है हमें। ये भाई साहब तमिलनाडु वाले ये तो खड़े होकर क्रॉस कर रहे थे, इसने तो उसको भी टाइगर समझ लिया बाइक को अपनी। अभी तक तो पैर नहीं रखा मैंने नीचे, रखना ना पड़ जाए, ये पानी अच्छा खासा फ्लो है यार पे, अभी भी नहीं रखा, अभी नहीं रखा, अभिषेक निकाल लेगा, नहीं निकालेगा रखना पड़ेगा। अरे यार मैं निकाल लेता यार अगर अभिषेक नहीं होता ना बीच में, मैं आराम से निकाल लेता। चलो कोई नहीं चले, तुम्हारा भाई की RC 90 किसी टाइगर से कम है क्या, बिना रुके तुम्हारा भाई निकालता है। अक्षय की बाइक बंद, जूते में पानी चला गया। आज अभी ना एक इशू हो गया मेरी बाइक के साथ, इशू है कि मेरे पीछे की ब्रेक लग रही किसी, मैं ब्रेक मार रखी है तो बाइक चल रही है, मुझे नहीं पता पीछे वाली ब्रेक के साथ क्या हुआ है, पर वो बिल्कुल भी नहीं लग रही। अब बस मेरे पास आगे की ब्रेक बची है, अभी मैंने पीछे की ब्रेक मारने की कोशिश करी एंड वो लिटरली पूरी फ्री हो गई। भाई साहब इस राइड में हो क्या रहा है, मतलब ऐसा कोई कारण होना बाकी रह गया क्या मेरे साथ, आ गया लीवर आधा है, ब्रेक आधी लग रही, पीछे वाली लगनी थी, अब आगे का अलॉय बैंड हो गया है। भाई साहब ये लेन मेरे लिए एक्सट्रीम होता जा रहा है, पता नहीं इसका मास्टर सिलेंडर ब्रेक का फेल हो गया है क्या हुआ है,
आई हैव नो आइडिया। अब ये है कि वो बहुत हिसाब से बाइक चलानी पड़ेगी बिकॉज मेरे पे सिर्फ आगे की ब्रेक है। यहाँ से 1 किलोमीटर आएगा दुबुक। और यहाँ पे स्नो बहुत गिरती है जब हमारी आर्मी यहाँ पे रहती है, सिर्फ एकदम हाथ से स्नो गिरते हैं यहाँ पर। जो जगह इसका नाम है दुर्बुक, ठीक है। और यहाँ से पैरगोंग आएगा अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 40 किलोमीटर। मैंने अभी बाइक के डिस्पैड में मतलब ना पानी वानी मारा थोड़ा सा, और थोड़ा बहुत उसमें ना लाइनिश सी आ रही है, तो मुझे लगा यार डिस्पैड ख़त्म हो गया और थोड़ा सा डिस्पैड गर्म भी ज़्यादा हो गया होगा। और लोहा था तो वो थोड़ा लोहा गर्म भी हो गया होगा इस वजह से। बाकी देखते हैं वहाँ पहुँच कर। वो लगता है यार मिट्टी विट्टी को चाहिए होगी बीच में, कोई स्टोन आ गया होगा, जो भी आया होगा। तो मैंने टायर घुमा के थोड़ा पानी डाल दिया उस पर डिस्पैड पर, ताकि कुछ भी हो तो वो निकल जाए उसमें से। तो आई होप अब ये काम करेगा। अब हम पैंगोंग से थोड़ा दूर है तो अब आपको यहाँ पर कुछ इसमें शुरू हो जाएगा, रेंचो ये रेंचो वो, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मेन स्कूल है इनका, और वो खुला होगा ना, जो एक्चुअल स्कूल था वो और खुला होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। अब बाइक में ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा, पता चले और कुछ एक्सीडेंट हो जाए। सही सलामत मैं 1 पीस में घर जाना चाहता हूँ, और घर जाते ही ना मुझे लगता है बाइक को अच्छे से सर्विस करवानी पड़ेगी, ठीक ठाक कराना पड़ेगा, वरना काम 35 हो जाएगा बेटा। खैर मौसम यहाँ थोड़ा ठंडा हो गया ऑलरेडी, जब से हम चले हैं वहाँ से 95 किलोमीटर चले हैं। यहाँ से बोला कि 30 किलोमीटर और पैंगोंग आ जाएगी, हाउ इज दैट पॉसिबल। मुझे लगता है जो बेसिकली जो पैंगोंग कोई एरिया का नाम भी होगा नदी के अलावा, उसके बाद वो पैंगोंग नदी आएगी ऐसा कुछ सीन होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे, देखी जाएगी जो भी रास्ता है। देखो जाना तो है ही ना, बहुत बारिश हमें मिली थी और अभी तो नहीं। भाई ट्रक वाला क्या कर रहा, क्या गंदी ट्रक चला रहा है यार ये, बहुत ही गंदा ट्रक चला रहा है ये तो। ये जम्मू कश्मीर वाले यार गाड़ी बड़ी गंदी चलाते हैं यार, ना ये साइड देते और गाड़ी बहुत गंदी चलाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, जो है सो है, जैसा भी है मैनेज तो करना पड़ेगा। एटलीस्ट चंडीगढ़ तक तो मैनेज करना पड़ेगा मुझे, अगर तुमको कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी तो। मेरी राइट साइड पे हेलीपैड है और ये एरिया पूरा आर्मी के अंडर है, दुलबुक मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। मेरी लेफ्ट साइड पे भी, मेरी राइट साइड पे, दोनों तरफ फेंसिंग लगी हुई है, ना आप राइट साइड जा सकते हो ना आप लेफ्ट साइड जा सकते हो। चुपचाप रोड से सीधा सीधा निकलो, वाला हिसाब किताब है। मैं शीशे में कुछ लग गया है, चलो यार आगे देखेंगे, अभी तो बस फटाफट चलते चले। सो गाइस काफ़ी देर चलने के बाद, अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर चलने के बाद एक बोर्ड आ गया है कि पैंगोंग TSO 26 किलोमीटर अवे। तो भाई यहाँ पे ना मेरा क्या देख रहा हूँ, वाइल्ड हॉर्सेस खड़े हैं वहाँ से एकदम आज़ाद, किसी ने नहीं पकड़ रखा, कोई ये नहीं उनको से सामान खिंचवा रहा है, हॉर्स राइड कर रहा है, कुछ भी नहीं, टोटली फ्री भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। और बस 26 किलोमीटर और फिर तुम्हारा भाई होगा पैंगोंग में। और यार पीछे डिस्प्ले फेल होने की वजह से ना बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, आगे की डिस्प्ले बाइक चलानी पड़ रही है। अगर वहाँ का टर्न है ना तो उससे बहुत पहले से आगे की डिस्प्ले बाइक रोकनी शुरू कर देता हूँ, बहुत दिक्कतें आ रही है यार। खैर छोड़ो ये सब तो चलता रहेगा, अभी जो है मैनेज तो करना पड़ेगा ना। अच्छा है कि हवा काफ़ी ठंडी है, हल्की हल्की सर में हवा लग रही है ठंडी ठंडी, जबकि मैंने बंदाना सर में बांध रखा है। अरे और बच्चों बता रहे हैं बड़े सारे हॉर्सेस खड़े हैं ओपन,
राइट पे देख रहा हूँ मैं, ये हॉर्स खड़े बड़े सारे, पीछे तो और भी बहुत सारा थे यार, पीछे में जाना कम से कम 30-40 हॉर्स खड़े थे। रोड्स बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही रोड्स है। बीच में वो छोटे बहुत जो पैच आप लोगों ने देखे थे वही ख़राब थे, ताकि यहाँ से तो भाई बहुत सही रोड है। कोई भी मैं नहीं कह सकता कि भाई मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है बाइक चलाने में या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलते चलते 70-75 की स्पीड में क्रूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ चला नहीं रहा हूँ बिकॉज एक ब्रेक फेल है, आप लोगों को पता ही चल चुका है। फिर ये पहाड़ देखो यार ऊपर, कहते बादल नीचे आ रखे हैं, और यहाँ पे बॉक्स करने की कार जा रही है आगे मेरे से, पता नहीं कौन सी है ये, टिगुआन। और भाई ने तो काले बादल बना दिए नीचे, सबसे गंदी स्मेल लगती है मुझे डीजल की वाली। वैसे ही मेरे को तो ना अगर शिमला जाओ ना आप, तो ये इस पर इतनी ज़्यादा मिलती है ना वहाँ पे डीजल की स्मेल, मतलब रुका नहीं जाता वैसे शिमला में, मैं शिमला को भी स्टे नहीं करता, बस एकदम इस वजह से शिमला जाना पसंद ही नहीं करता, कोई डीजल की स्मेल से बहुत नफरत है यार, बहुत दिक्कत देती है। यू बैंड बहुत आ रहे हैं ये वाले, कई कई जगह लिखा भी हुआ बट कई जगह नहीं भी लिखा हुआ। अरे एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, फिर और वो भाई छोटी नहीं थी तो काफी बाइक अंदर से लगी थी, इसके अंदर तो लोग हाथ तक पानी आ गया, सही थी यार, लोग आगे और हॉर्सेस खड़े राइट साइड में मेरे। सो गाइस इफ यू रिमेम्बर, ये जो भाई आगे साइकिल पे जा रहे हैं, ये हम जो खारदुंगला की चढ़ाई कर रहे थे ना, तो ये हमें मिले थे तब, ये भी न्यू बड़ा जा रहे थे, आज पैंगोंग की तरफ ये भाई जा रहे हैं। इसे पीछे से पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया होगा, और भाई साहब हैट्स ऑफ टू हिम, भाई साइकिल पे भाई ने आज 120-130 किलोमीटर आयर में क्लॉक करे, ओ भाई मान गया इनको। मैं कहा आपको स्टे का कह रहा है, जहाँ मन करेगा वहाँ रुक जाऊँगा, मतलब मेरे पे टेंट है। मैं कहा अरे भाई साहब बहुत ही बढ़िया, मैंने इनसे 2-4 मिनट बात करी ही दूँगा, मैंने इनसे पूछा ऐसे पैंगोंग कितना रह गया, कह रहे ज़्यादा नहीं 8-9 किलोमीटर रह गया। मैं चलो ठीक है फिर आप पैंगोंग मिलो, कह रहे हाँ हाँ पैंगोंग मिलते, शाम को 7 बजे तक अंधेरा होता है। मैं कहा बहुत ही बढ़िया भैया, मान गया आपकी हिम्मत को भी, यहाँ पर बाइकों में हवा टाइट हो गई है, और यहाँ तो आप छप्पड़ फाड़, भाई ने किले फतेह कर दी। चलो गाइस आगे चलते हैं, आगे मिलता हूँ मैं आपको पैंगोंग पे, जहाँ पे आएगा फर्स्ट व्यू ऑफ पैंगोंग, वहाँ वेट करते हैं, वहाँ मिलते हैं आपसे, ठीक है। चलो ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग बहुत बढ़िया, हाँ हाँ आई डू हैव जस्ट सेकेंड। चलो यार ये भाई ज़रा इनको हेल्प चाहिए, ज़रा हेल्प करते हैं फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं भैया, हाँ ग्रुप है पीछे सारा, मेरा ब्रेक फेल हो गया पीछे का, तो मैं कहा मैं चलता हूँ आगे आगे तुम लोग आओ। लो ब्रेक फेल हो गई इसलिए ब्रेक नहीं लग रहा है आगे से। हाँ चल ब्रेक पे हेल्प करता है फिर मिलता है थोड़ी देर में। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, इट्स अ फर्स्ट व्यू ऑफ वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक, और अगर आप उस तरफ देख पा रहे होगे तो वहाँ पे पैंगोंग लेक है, पैंगोंग लेक है, और फिलहाल स्नोफॉल शुरू हो चुका है यहाँ पर। अगर मैं अपनी जैकेट पर दिखाऊँ, दिख रहा है आपको, अब मैंने हाथ में GoPro पकड़ रखा है और ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मैंने बीच में बारिश हुई थी इसलिए मैंने उतार दिया था। जस्ट सी इट, दिस इज अ गाय, ही इज़ कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु ऑन हिज बाइक, हैट्स ऑफ टू देम यार। चलो आगे चलते हैं, आप लोगों को आगे से पैंगोंग दिखाता हूँ मैं, ठीक है चलते हैं चलो।